सुबह की भागदौड़ के अंदर बच्चों का नाश्ता तैयार करना हो या फिर आप कुछ हल्का फुल्का खाकर अपना वजन कम करना चाहते हो तो आपके लिए ये रेसिपी रामबाण साबित हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शेफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ शेफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा मसाला दलिया बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। रेसिपी अगर अच्छी लगती है आपको तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यम्मी सी रेसिपी बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गेहूं का दलिया लिया है, आधा कप गेहूं का दलिया लिया है। मार्केट के अंदर इजीली मिल जाता है गेहूं का दलिया, तो आप आराम से मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और साथ में इसके मैंने मूंग मोगर दाल ली है 1/4 कप, यानी आधा कप दलिया लिया है तो उसकी आधी हमने मूंग मोगर दाल ली है, कितनी, 1/4 कप। सबसे पहले क्या करेंगे, दाल को अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। दालों को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए इनके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से पहले 2 से 3 पानी के अंदर वॉश करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमारा पानी एकदम क्लीन नहीं हो जाए, यानी पारदर्शी नहीं हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से रगड़ कर वॉश करना चाहिए। उसके बाद मैं करीब 10 से 15 मिनट तक दाल को भिजो के रख दूँगा। आप चाहे तो भिजो के रख सकते हैं, उससे दाल थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, नहीं तो अच्छे से वॉश करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 पानी से अच्छे से वॉश कर ली, अब मेरी दाल एकदम क्लीन हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप की। और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स कटिंग करके रखी है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक ग्रीन चिली ली, इसे बारीक छोटी छोटी कट कर ली। साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसे भी छोटा छोटा कट कर लिया। एक टोमेटो लिया, इसे भी हमने हर्बली छोटा छोटा कट कर लिया। साथ में कैरेट लिए, एक कैरेट को हमने डाइस कटिंग के अंदर छोटा छोटा कट कर लिया। और बीन्स को भी सेम यही कटिंग के अंदर कट कर लिया, करीब 5-7 बीन्स लिए मैंने। थोड़े से हमने फ्रोजन ग्रीन पीस लिए, इनको पानी के अंदर डाल के रख लिया। एक आलू को हमने अच्छे से पील करके, वॉश करके, कट करके पानी में डाल के रख लिया। इससे क्या, आलू हमारा काला नहीं पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दलिया को अच्छे से पहले रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर इस एक पैन के अंदर 1.5 छोटा चम्मच घी ऐड किया है। जैसे ही घी हमारा हल्का हल्का गर्म होता है तो मैं इसके अंदर दलिया ऐड कर लूँगा। और दलिया को हम करीब 2 से 3 मिनट तक आराम से लो फ्लेम के ऊपर बढ़िया सा रोस्ट करेंगे। घर की गैस के ऊपर आप अगर बना रहे हैं तो आराम से फुल फ्लेम के ऊपर कर सकते हैं। बस ये है कि इसे कंटिन्यू हिलाते हुए अच्छा सा हमें इसे रोस्ट करना है। अगर आप बच्चों के लिए सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं तो आपको रात को भी आप चाहे तो इसे रोस्ट करके रख सकते हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कभी भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो इसे पहले आराम से रोस्ट करके रख सकते हैं, और जब भी आपको बनाना हो तो कुकर के अंदर डाल के 2 सीटी लगा ले। देखिए यहाँ पर दलिया का हमारा कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, एकदम बढ़िया सा दलिया हमारा रोस्ट हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए अब दलिया को हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या आप चाहो तो इसी के अंदर रख सकते हो। अब चलते हैं अगले स्टेप की। और यहाँ पर हम एक कुकर गैस के ऊपर चढ़ा लेते हैं, इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच घी ऐड कर लेंगे। जैसे ही घी हमारा मेल्ट होता है तो मैं इसके अंदर राई और जीरे का तड़का लगा लूँगा, यानी मस्टर्ड सीड और क्यूमिन सीड का हम इसके अंदर तड़का लगा लेंगे। आधा आधा छोटा चम्मच दोनों डाल दिए, साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, करीब 8 से 10 कड़ी पत्ता है। सबसे पहले कड़ी पत्ता, राई और जीरे को अच्छे से हम तड़कने देंगे, तभी इनका फ्लेवर एक्टिवेट होता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगा ऑनियन। गाइज, ऑनियन को हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस इतना ही हम ऑनियन को पकाएंगे ताकि इनका कच्चापन जो होता है ना, बस वो दूर हो जाए। उसके बाद अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसके अंदर। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर लो फ्लेम रख रखी है, क्योंकि हमारा गैस बड़ा वाला गैस है तो इसमें लो फ्लेम रखनी बहुत ही आवश्यक है। अगर आप घर वाले गैस पर बना रहे हैं तो आराम से फुल फ्लेम के ऊपर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे ऑनियन अच्छे से सौते हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर ग्रीन चिली डाल देता हूँ और साथ में टोमेटो भी ऐड कर लेता हूँ। ऑनियन को हमें पूरा नहीं पकाने का है, मतलब 20-30% तक पकाने का है। चलिए अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला इसमें यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और लाल मिर्ची पाउडर भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर सपोज आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्ची पाउडर स्किप कर सकते हैं। मसाला को थोड़ी देर हम ऑनियन के साथ में घुमा लेंगे, इससे हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर दाल ऐड कर लेंगे, दाल का सारा पानी हम निकाल लेंगे और दाल को इसमें ऐड कर लेंगे। साथ में आलू का भी पानी निकाल लेंगे और आलू भी इसमें ऐड कर लेंगे। फिर अदर जो वेजिटेबल्स है, गाजर, बीन्स, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे
और ग्रीन पीस भी इसमें ऐड कर लेंगे। गाइस अगर इनमें से कोई वेजिटेबल्स आप पसंद नहीं करते हैं या आपके पास नहीं हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो आलू टमाटो और प्याज डाल के भी बना सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी बनती है। 2 मिनट तक वेजिटेबल्स और दालों को हम अच्छे से इसके साथ में पहले घुमाएंगे, अच्छे से सौते करेंगे, उसके बाद में हम डाल देंगे इसके अंदर दलिया। इस तरह आप घुमाएंगे तो क्या है कि जो हमारे कच्चे वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे से थोड़े रोस्ट हो जाएंगे। उसके बाद दलिया डाल देंगे और दलिया डालने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी कितना ऐड करना, पानी करीब हमने जो दलिया लिया था उसका 5 गुना पानी लेंगे, यानी 3 कप पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है और जब तक इसके अंदर एक उबाल आता है तब तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे। जैसे ही उबाल आ जाता है तो उसके बाद हम इसके अंदर कुकर का ढक लगा लेंगे और 2 सीटी आने तक हम इसका वेट करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर 2 सीटी आ चुकी है हमारे कुकर के अंदर, तो हम गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर लेंगे और आराम से इसे रेस्ट दे देंगे 10 से 15 मिनट तक, जब तक कुकर का नेचुरल गैस निकल जाएगा और आराम से नेचुरल हम कुकर को खोल पाएंगे तब तक हम इसे रेस्ट दे देंगे। उसके बाद कुकर को खोल के चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दलिया हमारा बढ़िया सा स्वादिष्ट दलिया बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता। अगर आपको मॉर्निंग में बच्चों के लिए बनाना है तो दलिया को रात को ही आप रोस्ट करके रख सकते हो और साथ में जो वेजिटेबल्स है उसके अंदर गाजर बीन्स अगर डालना चाहते हो तो रात को ही आप कट करके रख सकते हो। फ्रिज के अंदर रखना चाहे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। दलिया को फ्रिज में नहीं रखना, दलिया को आप बाहर ही रख सकते हो। चलिए बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट से हमारा दलिया बन के तैयार है, तो झटपट हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसके साथ आप चाहे तो पिकल सर्व कर सकते हैं, आप चाहे तो कड़ी सर्व कर सकते हैं, दोनों के साथ काफ़ी अच्छा लगता है ये। ऊपर हल्की सी देसी घी की गार्निश कर लेंगे। रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी।